इन पार्ट सिक्स हमने फोर्थ क्वेश्चन तक थिंक किया था, राइट? फोर्थ क्वेश्चन तक लिखा था ना, उसका आंसर हो गया था नॉन लिविंग थिंग वाला, राइट? चलो क्वेश्चन नंबर फाइव लिखो। कौन बोलेगा क्वेश्चन फाइव? मैं बोलूँ। हाँ बोलो क्वेश्चन फाइव। जिंदा इंसान भी दिखा सकते हैं, वैसी नॉन लिविंग चीज कौन सी दिखाता है? तो एक तो बस एंड मशीन बोथ शोज द मूवमेंट एंड कंज्यूम एनर्जी, राइट? हम इंसान भी क्या करते हैं, एनर्जी कंज्यूम, खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है ना, वो हम कंज्यूम करते हैं, राइट? तो वैसा ही सेम कौन दिखाता है? बस एंड मशीन। ओके, बस इज एंड मशीन, राइट? तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखो, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ Thanks.
सॉल्ट लिविंग थिंग में से मिलता है? एप्पल? Thank you.
हिंट लिख के पहले से। हाँ हिंट वाला हिंट के साथ लिखो, हिंट के साथ लिखो।
यस सी ऐसा बोला है कि स्पीड इज इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल. व्हाई स्पीड इज इम्पोर्टेंट इन द ग्रासलैंड फॉर एनिमल दैट लिव देयर. मतलब हिंट भी दी है कि देर आर फ्यू ट्रीज और प्लेस फॉर एनिमल टू हाइड इन ग्रासलैंड हैबिटेट, है ना. तो हमें पता है कि हम जो वो वाली स्टोरी पढ़ते हैं ना कि लेपर्ड है वो आके वहाँ पे जो डियर है, ठीक है, तो डियर है वो तो क्या है, वेजिटेरियन है, वो तो पत्ते खाता है. बट जो लेपर्ड है, टाइगर है, वो क्या करते हैं, आके डियर को खा जाते हैं, है ना. तो डियर इसीलिए उसको ज़्यादा स्पीड में दौड़ना पड़ता है और वो ग्रास के पीछे छिप भी सकता है, ग्रास के पीछे, राइट. तो एट वाला क्वेश्चन है, उसका आंसर हम लोग लिखते हैं. देखो आंसर, इन द ग्रासलैंड, इन द ग्रासलैंड
कोई नहीं होता है। और जो वल्नरेबल मतलब बहुत ही खतरनाक होते हैं जो एनिमल, लायन है, टाइगर है, लेपर्ड है, राइट, वो बहुत ही खतरनाक, उतनी धीरे से आते हैं तेजी से और उसको चपेट लेते हैं, राइट। तो इसीलिए डियर को स्पीड, अपने दौड़ने में स्पीड रखना बहुत ही ज़रूरी है और अलर्ट रहना, राइट, कि पीछे से लायन आ रहा है तो मुझे इतनी तेजी से भागना पड़ेगा, नहीं तो वो उसको पकड़ के खा लेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 9 फिनिश हो रहा है और जो लोग आज यहाँ पे आए हैं वो अपना क्लास वर्क मुझसे चेक करवाना और होमवर्क बाद में, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज आपको होमवर्क में लिखना है, ठीक है। ये होमवर्क मुझे 2 डेज के बाद, 3 डेज के बाद चेक करवा देना, ओके, 2 या 3 डेज। ये वो जो अभी ये लिखा है ना, उसके बाद नीचे ये जो प्रिंट ब्लैक्स है उसके नीचे ये लिख दो मेरा, और मेरा होमवर्क लिखवाने के पीछे, हाँ लिख दो चलेगा, और मेरा होमवर्क लिखवाने के पीछे ये रीजन है कि आप लोग स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करते हो, ताकि अगर एक बार लिखो तो आपको समझ में आ जाए कि ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। बैठ जाओ। ओके, थैंक यू एवरीवन। कितने मिनट? 25।